आप जिधर भी जाओ थाईलैंड में, आपको रोड माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रोड है। अभी तो हम दारुल गुमत जा रहे हैं, पुराना जो दारुल गुमत, तो आपको रोड एक्चुअली सही मिलेगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। यहाँ पर तकरीबन 84 किलोमीटर है, 84 किलोमीटर डिस्टेंस तकरीबन एक 1 आवर 15 मिनट 10 मिनट्स पे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो एनी हाउ इट्स द रोड इज क्वाइट आसम। We're gonna go towards Ayutthaya, is the world capital of Thailand. 80 किलोमीटर के रास्ते पे ये जो है पुराना दारुकूमत, तो अब अभी हम रवाना हो गए हैं, तो इंशाल्लाह जो ही पहुंचेंगे अपडेट करेंगे। इसके मुताबिक जो थाईलैंड का जो पुराना दारुकूमत है जिसे कहते हैं अयोध्या, तो वहाँ जाने का मूड बना, तो अभी हम वहाँ की तरफ रवाना हो गए हैं। ये तकरीबन बैंकॉक से 84, अभी जो मौजूदा दारुकूमत है इससे तकरीबन 84 किलोमीटर दूर वाक़ है, जो आज लिटिल बिन्नार कह सकते हैं आप। तो लेट्स सी क्या है, कैसा है नज़ारे, देख सकते हैं अभी। सो वी गोना गो देयर। ये 84 किलोमीटर का रास्ता होगा, हम वैसे ही नार्मल रोड पे जाएंगे OAGT उसी से। तो अभी दिन के तकरीबन 12:30 बज गए हैं। आई फील एवरीथिंग इज ऑलरेडी नाउ, वी गोना गो टुवर्ड्स अयोध्या व्हिच इज दिस Oldest capital of Thailand. ये एक चावल की काश इस वक्त कर रहे हैं, चावल है यहाँ का, चावल बहुत ही आला किस्म का चावल है, लेकिन बासमती चावल से सबसे अच्छा आला चावल कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों 32 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, तकरीबन 20-25 मिनट में वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। इतनी हैवी ट्रैफिक नहीं है, फिर भी ट्रैफिक है, इतनी ज़्यादा नहीं है ट्रैफिक, थोड़ी कुछ है, लेकिन बस थोड़ा कुछ केयरफुली ड्राइव करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े वाले ट्रक्स वगैरह चलते हैं इसमें, इस रोड में नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, ये है राइस फील्ड्स, और कई जगह में रोड की कंस्ट्रक्शन जारी है, क्योंकि रोड की मेंटेनेंस यहाँ पर करते रहते हैं, इसलिए आपको रोड थोड़ा कुछ टूटा फूटा नज़र आएगा, क्योंकि मेंटेनेंस जारी है यहाँ पर। रास्ते में रोड में आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत फ्लावर्स, नेचुरल फ्लावर्स, आप येलो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं रोड के रास्ते में राइट साइड में जाते हुए। This one is the main entrance for Konsi Ayodhya, ancient entrance for the kingdom of Siamese before 1351. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, ये जो है ये इलाका नाखोनसी अयोध्या, नाखोन फरासी अयोध्या कहा जाता है। ये इलाका इंतहाई अहम और मसरूफ़ शहर से जाना जाता था, तकरीबन 1350 से लेकर 18वीं सदी के दौरान, यहाँ के जो फाइनली 18वीं सदी के दौरान जो बर्मीज थे, रिवाइवल्स, जो इन्वेडर्स थे, आकर यहाँ पर इस इलाके को, इस शहर पूरे को जलाया था। तो इनमें से एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं आज आया हूँ, बहुत ही फेमस जगह है थाईलैंड बैंकॉक में, ये जो सेंटर रहा है तकरीबन किंगडम ऑफ सियामीस का मोर देन 400 to 500 ईयर्स। पहला जो था वो सुकूत थाई था, और इसके बाद
जो सेंटर रहा है, ये जो इलाका रहा है, यही है जिस पे अभी मैं मौजूद हूँ। उनमें से एक ख़ास ऐसी टेंपल भी मौजूद है जो हर साल यहाँ पर इवेंट्स भी होते थे, टूरिस्ट भी आते थे हैं। तो ये शहर तकरीबन मिडल ऑफ द थ्री रिवर्स में पाया जाता है, तीन दरियाओं के संगम में पाया जाता है ये शहर, क्योंकि इसका मकसद यही था कि इस इलाके को तकरीबन सिक्योरिटी और इसके लिहाज से स्ट्रेटजिकली लोकेशन के लिहाज से इसको थोड़ा सेफ रखा जाए। तो एनी हाउ हियर इज सम टेंपल एंड सम एंशिएंट रुइन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एज वेल। At that time, at the 18th century, the Burmese invaders, they burn and everything here. So one of the important side here, as you can see. शहर के अंदर आपको बहुत सारे स्टूपास और स्कल्पचर्स नज़र आ जाएंगे, क्योंकि पुराना शहर है तकरीबन 1300 की सदी से। और हमारे पास तो जीबी में तकरीबन 1st century से लेकर जाके 7th century तक है। तो द राइट साइड देख सकते हैं आप, शहर के अंदर ही पुराने जो खंडरात वगैरह जो कि 13वीं सदी से अब तक के जो आसार मौजूद हैं। हमारा खूबसूरत सा शहर है, आप देख सकते हैं सफाई का निज़ाम बहुत ही अच्छा निज़ाम है, साफ सुथरा शहर है, क्लीन है। और ट्रैफिक का निज़ाम आप देख सकते हैं, छोटे छोटे फ्लोटिंग मार्केट्स और दूसरे बाज़ार भी मौजूद हैं। Reception area. So we are going to visit the old area, historical site. That is most important. The city is known as by its ancient culture, ancient tradition, and ancient topography and geography of the region. Strategically, it was very important city in 13th century to 18th century. But after that, it all the Burmese revivals, they burn all the shitty same shit. You see a local dress and this Hathi Safari, Elephant Safari, and you can see, oh, it's interesting really. Hathi Safari, आप देख सकते हैं। This is a really new thing for us. We don't have a big elephant like that. दोस्तों इस वक्त ट्रैफिक आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खासी ट्रैफिक है यहाँ। ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग विजिट टूरिस्ट प्लेस है जो अयोध्या सिटी में है। आप राइट साइड में देख सकते हैं एलिफेंट। We have to enjoy elephant thing, you know, why we तो दोस्तों ये है अयोध्या नेशनल पार्क पे अभी आए हैं, जो 13th century से लेकर अब तक थोड़ी सी कंडीशन इसकी वो हो गई एनवायरमेंटली। हे, आई शो यू
दिस इज द प्लेस नोन एज। तो इस वक्त मैं इस टेंपल और हिस्टोरिकल साइट्स में अभी पहुंच गया हूं, जो कि सिटी से थोड़ा कुछ दूर है, 5 से 10 किलोमीटर दूर वच्छाई वाला राम टेंपल है। देख सकते हैं बहुत सारे टेंपल्स और स्टूपार्स और वॉल्स भी मौजूद हैं, जो कि शोज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द रीजन। हिस्ट्री ऑफ द रीजन डेट इज़ गो बैक टू 13th century टू द 18th century, फाइनली 18th century द बर्मीज दे ऑल बॉर्न दिस एरिया, दिस इज़ नोन एज वच्छाई ओन। So, have a look. Oh, it's quite interesting place, really. It's worth to pay 100 baht for everyone. It's a nice place. दोस्तों आप देख सकते हैं बिहाइंड द टेंपल्स, दिस टेंपल वाज बिल्ट बाय किंग प्रासद इन 1630 सेंचुरी अलोंग द वेस्ट एज ऑफ चाओपाई रिवर के बिल्कुल किनारे पे ये सिटी और ये टेंपल्स यहाँ पर बिल्ड किया था किंग प्रासद ने 1630 सेंचुरी में, जो कि काफ़ इंटरेस्टिंग है बुद्धिज़्म के लिहाज से। आप देख सकते हैं बिहाइंड में सिटी व्यू, और साथ साथ आपको दरिया भी दिखाता हूँ, जो कि 3 दरियाओं के संगम में ये शहर, पूरा शहर अयोध्या मौजूद है। इसके अलावा जो टेंपल है 1630 में इस किंग प्रासद ने बनाया था। Have a look behind me. Quite awesome. Okay, so friends, here right now Wat Chaiwatra Ram Temple, which is built by King Prasad in 1630 at the west of Chaopaya River. Chaopaya River बिल्कुल साथ में है, और ये temple 1630 में इनके king जो था वो किंग परासद ने बनाया था। temple जो है बहुत यूनिक, जो इंटरेस्टिंग थिंग्स है जो फॉरन जो विजिटर होते हैं वो मोस्टली ये है अयोध्या है, वो 3 दरिया जो होते हैं इनके दरमियान में बनाया है। ये जो शहर है 1300 से लेकर 1800 से तक ये आबाद रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना जंगें भी लड़ी गई हैं, जो 18th century में इस शहर को तबाह किया था। तो ये है उनमें से एक आसार कदीमा, जो बर्मीस जो आए थे उन लोगों ने जो तबाह किया था, उनमें से एक ये भी है जो 1630 में किंग प्रासद ने बनाया था। तो इसके अलावा जो है इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर है, बहुत सारे टेंपल्स हैं, बहुत सारे फ्लोटिंग मार्केट्स हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग, बहुत जियोग्राफिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों दरमियान के दरियाओं के दरमियान होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही फैसिलिटीज़ है। आई लाइक टू विजिट हियर द मोस्ट एंशियंट प्लेस नियर टू द बैंकॉक, 87 किलोमीटर अवे एग्जैक्टली। द सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकली जियोग्राफिकली आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नेक्स्ट टू द गल्फ ऑफ सियाम। द प्रीवियसली इन दिस एरिया नेम इज नोन एज सियाम। सियाम मीन द किंगडम ऑफ सियाम। So welcome to Ayodhya, welcome to Thailand. ये शहर बहुत ही खूबसूरत मकाम पर जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उससे थोड़ा दूर बना दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेडर्स आते थे ना उनके लिए थोड़ी मुश्किल भी होती थी, और शहर को बचाने के लिए ये दारुलकूमत रहा है, दारुलकूमत रहा है किंगडम ऑफ थाईलैंड का सुकूत थाई था, उसके बाद ये किंगडम ऑफ सियाम, क्योंकि ये जो है फ्लड से सेफ है, थोड़ी ऊंचा है, सतह समंदर से ऊंचा होने की वजह से इस इलाके को थोड़ा सेफ रखने के लिए ये सतह समंदर से दूर बनाया है।
So anyhow, interesting geography of the region, because of the city is quite away from the sea. It's because to protect from the invaders as well as the flood from the sea many times. So the city is quite away because there is no any reason to hit the sea currents west to the city. Anyhow, very interesting and geography. पसंद आई होगी, लेकिन है रिलीजियसली है, एंशियंट साइड है. सो वी मस्ट विजिट सम एंशियंट साइट्स टू नो अबाउट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द रीजन. सो दोस्तों है बारह डिफरेंट आर्किटेक्चर है, 16वीं सदी में ये बनाया था व्यूअर के साथ. अगर आपको पसंद आई तो लाजमी आप काइंडली लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, अगर ये चीज़ पसंद आई.